वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अवतार मैकेनिकल वर्क्स के फैक्ट्री विजिट पर। और इससे पहले आपने देखा होगा पेपर बैग मेकिंग मशीन्स के बारे में, और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं रोटो ग्रेवियर मशीन्स के बारे में, जहां पर 8 कलर आप प्रिंटिंग कर सकते हो। साथ ही देखने वाले हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज के बारे में, वर्किंग के बारे में, और अगर आप डील करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे और साथ ही इनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। हेलो सर, कैसे हो? हाँ जी, फाइन। तो बताएंगे सर कंपनी के बारे में और अपने बारे में। कंपनी, जैसे आप जानते हैं, हमारी कंपनी अवतार मैकेनिकल वर्क्स, जो पिछले 50 साल से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 1970 से। तो अगर देखें तो हमारे पास जो सेल टैक्स नंबर है वो 1975 से है। मेरे फादर सरदार मान सिंह जी, उन्होंने ये यूनिट स्टार्ट किया था। इस यूनिट के, हमारी फैक्ट्री के फाउंडर वही हैं। तो हम पिछले 50 साल से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अभी ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, अब इसको अब न्यू प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। ग्रेवियर तो बना ही रहे थे, मगर ये हाई स्पीड मॉडल है। अच्छा। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं। हाई स्पीड भी ऑलरेडी बना रहे थे, मगर ये और हमने नया जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसमें कई फीचर्स हैं। अभी तो सर क्या क्या और भी क्या क्या मशीन्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं? जो अगर रोटोग्रेवर प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो उसके साथ रिलेटेड लेमिनेशन मशीन होती है, स्लिटिंग मशीन होती है, ये एक प्लांट हो जाता है। पेपर बैग मेकिंग मशीन विद प्रिंटिंग, विदाउट प्रिंटिंग, वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। और मशीन्स हैं जैसे एल्युमिनियम फॉयल रिवेंडिंग है, वो एक छोटे प्रोडक्ट्स में आ जाती है। अच्छा। ये हैवी मशीनरी में आ जाती है। फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन बनाते हैं 1 to 8 कलर तक। तो इस तरह से रिलेटेड प्रोडक्ट सारे आप बना रहे हो। हाँ, वो भी मेड इन इंडिया के अंदर आप खुद अपने यहाँ फैक्ट्री में बनाते हैं। हम इसमें कोई भी चाइनीज पार्ट कहीं भी यूज नहीं करते और ना ही वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो जैसे मैं आपको इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, ये जैसे आपको पोलिस्टर और बीओपीपी के ऊपर प्रिंट करते हैं, पोलिस्टर फिल्म आती है, बीओपीपी फिल्म आती है। अच्छा। उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। तो जैसे ये पोलिस्टर का बताया, इसमें पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं आप, पेपर कई जगह यूज होता है, पेपर प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एल्युमिनियम फॉइल की बात करें, जो मेडिसिन आप टेबलेट्स लेते हैं, ये एल्युमिनियम फॉइल वो है जिसमें मेडिसिन आपका पैक होके आता है, इसकी प्रिंटिंग भी है, ये एल्युमिनियम फॉइल की कर सकते हैं। और जैसे आप ये आलमंड्स वगैरह खाते हैं, इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस का हो गया, या आप ये चिप्स भुजिया, कुरकुरे, जो भी खाते हैं, जो भी है, ये सारा इसी मशीन का प्रिंटिंग का प्रोडक्ट है। इसको पहले प्रिंटिंग करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में इसको लेमिनेशन करते हैं, फिर स्लिटिंग करते हैं। अच्छा। तो लास्ट में ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचता है, जो चिप्स या स्पाइसेस या जो भी आइटम वो बना रहे हैं इसमें पैक करते हैं। इस तरह की हैं ये मशीन का, ये सारे इस तरह के। और भी इससे आप कोई भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, पोलिस्टर फिल्म हो गया, बीओपीपी फिल्म हो गई, पेपर हो गया, पीवीसी हो गई, मतलब काफी तरह के मटेरियल्स आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। बस रोल्स लगाओ और यहाँ पर ये रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन है। प्रोडक्ट जो सा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, चाहे हम पेपर लगा रहे हैं, पोलिस्टर फिल्म लगा रहे हैं, या एल्युमिनियम फॉइल लगा रहे हैं, या बीओपीपी फिल्म लगा रहे हैं, जो भी हमारा सबस्ट्रेट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये मशीन जो सी है 8 कलर मशीन है, और इसमें इनफीड आउटफीड के भी स्टेशंस हैं और ड्राइंग यूनिट ऊपर है। तो मैं आपको एक एक करके ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे अगर रोल्स लगा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक लिफ्ट करेगा या किस तरह से? नहीं, ऑटोमेटिक लिफ्टर भी हमारे पास है। अच्छा, इसमें वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है? वो ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। ये एयर शाफ्ट है, इसमें कोई भी स्क्रू या किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे जैसे मटेरियल लगाया तो इसमें यहाँ पर हम एयर देंगे, जैसे एयर भरते हैं इसमें तो ये जो लग्स हैं बाहर आ जाते हैं। तो ये यहाँ लोड कर दिया। ये अनवाइंड यूनिट भी जो है मोटराइज्ड है, एज वेल एज इसमें वेब लाइनर भी है जो अलाइंड करके रखेगा। यहाँ सर हर जगह आपने जो ये मोटर्स यूज किए हैं, वो किस तरह के मोटर्स आप यूज किए हैं सर? ये सारे स्टैंडर्ड कंपनी के। अभी ये जैसे मोटर आप देख रहे हैं, ये एबीबी कंपनी की स्टैंडर्ड मेक की मोटर है, ये इनफीड यूनिट पे लगी हुई है।